Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video we will see solution to the problem ArrayDS. So basically इस problem में क्या है ये सब पहले समझते हैं, then हम इसके solution देखेंगे, ठीक है. So problem statement is an array is a type of data structure that stores element of a same type in a contiguous memory block of memory. In an array A of size n, each memory location has some unique index i that can be referred as a of i. So basically यहाँ पे array का introduction दिया है. इस problem में basically हमें करना क्या है, हमें एक array given है. For example array a is 1 2 3. What we have to return is we have to return the reverse of that array. Okay, function description देख लो, complete the function reverse array. यहाँ पे जो रिवर्स एरे फंक्शन है यहाँ पे हमें उसका लॉजिक लिखना है, बेसिकली कोड फंक्शन कंप्लीट करना है टू रिवर्स द गिवन एरे इन द पैरामीटर, ठीक है. सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो हियर इज द सॉल्यूशन. सो इफ़ यू आर यूजिंग C++ लैंग्वेज एंड इफ यू फील दैट यू विल यूज STL का रिवर्स फंक्शन, देन दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो भी इंटरनली नॉर्मल बेसिक लूप्स में ही लिखे जाते हैं. सो वी विल यूज़ आर ओन मेथड टू गेट द रिवर्स ऑफ अ गिवन एरे, ठीक है. सो द फर्स्ट अप्रोच इन गेटिंग अ रिवर्स एरे अदर देन यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन क्या होगा. सो लेट्स सी, एक जो बेसिक बिगनर प्रोग्रामर होगा क्या करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट है हम एक एग्जाम्पल एरे क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. लेट्स मेक इट अ एरे ऑफ 4 एलिमेंट, ठीक है. सो इस एरे में 4 एलिमेंट है. सो बेसिक जो एक लॉजिक क्या लगेगा कि लेट मी क्रिएट अनदर न्यू एरे एंड इसमें मैं क्या करूँगा, जो ओरिजिनल एरे का लास्ट एलिमेंट होगा न्यू एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है. सिमिलरली सेकेंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे विल बी इन द सेकेंड प्लेस ऑफ द न्यू एरे, ठीक है, एंड सो ऑन. तो इससे क्या होगा, हमारा एरे रिवर्स हो जाएगा एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन. दिस इज ट्रू एंड दिस सॉल्यूशन इज आल्सो राइट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है. देखो, हम लेट अस कंसीडर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट. हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करने वाले हैं, ठीक है. सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन, राइट. एंड नाउ द मेन डिसएडवांटेज इज इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. वाई, बिकॉज कि हम एरे को रिवर्स करने के लिए हम एक टोटली न्यू एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. सो द न्यू एरे विल ऑल्सो टेक अ स्पेस ऑफ ओ ऑफ एन एंड दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. सो इफ यू आर इन अ इंटरव्यू एंड यू विल एंड इफ द इंटरव्यू आस्क यू दिस क्वेश्चन, इफ यू गिव दिस अप्रोच देन ही और शी विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच. देन ही और शी माइट टेल यू टू गिव द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच एंड दैट इज अ सेकेंड अप्रोच. लेट अस सी दैट. सो सेकेंड अप्रोच क्या होगा. सेकेंड अप्रोच के लिए भी हम एक सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और 4 एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है. सो अपने फर्स्ट अप्रोच में क्या था कि हमारा हम एक न्यू एरे क्रिएट कर रहे थे. यहाँ पे हम वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे, ठीक है. हमारे पास दो पॉइंटर होगा आई एंड जे, ओके. सो आई कहाँ होगा, आई स्टार्ट होगा एरे के फर्स्ट एलिमेंट से एंड जे स्टार्ट होगा एरे के लास्ट एलिमेंट पे. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज़ ए व्हाइल लूप एंड एट एवरी इटरेशन हम क्या करेंगे, वी विल स्वैप एलिमेंट एट इंडेक्स आई विथ एलिमेंट एट इंडेक्स जे. सो हमारे फर्स्ट इटरेशन में देखते हैं क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है. सिमिलरली जे की वैल्यू इधर क्या होगी, यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो द वैल्यू ऑफ जे विल बी 3. सो आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन हम क्या होने वाला है, द वैल्यू एट इंडेक्स जे विल बी स्वैप्ड विद द वैल्यू एट इंडेक्स आई. सो 4 1 के जगह पे आ जाएगा एंड 1 4 के जगह में चले जाएगा एंड द एरे विल बी 4, 2, 3, 1, ठीक है. सो ये हमारा एरे हो जाएगा. सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से हम इंक्रीमेंट कर देंगे सो आई विल बी 1 एंड जे की वैल्यू हम 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे सो जे वैल्यू विल बी 2. नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल स्वैप एलिमेंट्स एट इंडेक्स 1 एंड 2. सो इंडेक्स 1 पे कौन सा एलिमेंट है, 2. सो वो चले जाएगा जे के इंडेक्स पे विच इज 2. सो यहाँ पे हमारा एरे बन जाएगा 4, 3, 2, 1. सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच. सो हियर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ 1 बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल न्यू एरे क्रिएट नहीं किया है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द रिवर्स एरे. सो दिस वॉज इट रिगार्डिंग द सेकेंड अप्रोच. लेट सी द कोड ऑफ इट. ओके,
सो हियर इज द कोड. सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन एरे है उसका साइज ले लिया एक वेरिएबल में विच इज एन. देन वी क्रिएटेड टू पॉइंटर्स आई एंड जे. आई को इनिशियलाइज किया जीरो बिकॉज जैसे कि हमने डिस्कस किया था आई विल पॉइंट टू द स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स. एंड जे को इनिशियलाइज किया एन माइनस वन से विच इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे. ठीक है, हमने एक और टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया विच ये टेम्प वेरिएबल हम यूज करेंगे वाइल स्वैपिंग. ठीक है, सो ये वाइल लूप कब तक चलेगा, देखो जब तक आई इज लेस देन इक्वल टू जे तब तक हम ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे. वंस आई वैल्यू इज ग्रेटर देन जे वी विल स्टॉप दिस लूप. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट आई की वैल्यू जीरो होगी एंड जे की वैल्यू एन माइनस वन होगी एंड ये वाइल का कंडीशन ट्रू होगा. देन वी विल स्वैप, हियर इज द लॉजिक ऑफ स्वैप, वी विल स्वैप एलिमेंट्स एट इंडेक्स आई एंड जे एंड देन वी विल इंक्रीमेंट आई एंड डिक्रीमेंट जे. ठीक है, देन अगेन ये लूप चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जे है. वंस आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे द लूप विल स्टॉप एंड वी हैव रिवर्स्ड द एरे एंड वी विल रिटर्न द एरे एंड द एलिमेंट्स ऑफ द इन दैट एरे विल बी अ रिवर्स्ड एरे. सो दिस इज द कोड, let's submit this and see the result. So here as you can see all the test case has passed and ye code accept ho gaya hai. Theek hai, so this was it regarding the video. If you found this video helpful then do like the video and please subscribe to the channel to show your support. Thank you, bye.